कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा की तैयारी को लेकर एक बैठक आयोजित किया गया पुराने विधानसभा गार में। इस बैठक में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, आलमगीर आलम समेत कई कांग्रेसी विधायक पहुंचे। इसमें यात्रा के रूट और कार्यक्रम की रूपरेखा को लेकर मंथन किया गया। सितंबर से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कन्याकुमारी से ये जो भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हो रही है, जो 12 राज्यों से होकर दो यूनियन टेरिटरीज को के बीच में से होती हुई और कश्मीर तक पहुंचेगी, इस 3,750 किलोमीटर की इस भारत यात्रा जो कि 5 महीने लगभग चलेगी, जिसमें माननीय राहुल गांधी जी स्वयं और साथ में हजारों कांग्रेस के कार्यकर्ता अलग अलग जगह पर जुड़ते जाएंगे और ये यात्रा 5 महीने में जाकर कन्याकुमारी पहुँचेगी। झारखंड प्रदेश जहाँ से यात्रा भौतिक रूप से यहाँ से नहीं इससे जुड़ रही है, लेकिन ऐसे अन्य प्रदेश जहाँ जहाँ पर ये यात्रा टच नहीं करे, जिन राज्यों से नहीं गुजर रही है, उन राज्यों के लिए विशेष कार्यक्रम का नियोजन किया गया है। ये यात्रा जिन राज्यों में हो रहा है वहाँ पर भी और जिन राज्यों में नहीं हो रहा है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।